विवादों के चलते वर्ष 2014 में अपने जैविक पुत्र रोहित शेखर को अपनाने और उज्ज्वला शर्मा के साथ बकायदा शादी के बाद 2015 में तिवारी उन दोनों के साथ नैनीताल आए थे। उस वक्त उन्होंने अपने जीवन के कुछ रोचक किस्से बयां किए थे। उस दौरान वो नैनीताल CRST गए, जहां पर 1936 में 11 वर्ष की उम्र में उन्होंने दाखिला लिया था। इस दौरान तिवारी ने उज्ज्वला शर्मा और रोहित के साथ उसी कक्षा की बेंच में बैठकर पुरानी यादें ताजा की थी, जिसमें कभी वो बतौर विद्यार्थी बैठा करते थे। उपस्थित लोगों को तिवारी ने बताया कि 1936 में 11 वर्ष की उम्र में वो अपने रिश्तेदार हरिदत्त जोशी की उंगली पकड़कर पहली बार इस विद्यालय में आए थे। अध्यापक फ्रैंक रावत और शिक्षा इंस्पेक्टर हरीश चंद्र ने उनसे अंग्रेजी के स्नेल शब्द का अर्थ पूछा। तिवारी ने बताया था कि उन्होंने तुरंत बता दिया था कि स्नेल यानी कि घेंगा होता है। उनके जवाब से प्रसन्न होकर अध्यापकों ने उन्हें एक कक्षा आगे प्रवेश दिया। बाद में प्रथम श्रेणी में हाई स्कूल उत्तीर्ण कर तिवारी ने अपने अध्यापकों के निर्णय को सही साबित किया। अति गरीबी के कारण वो इंटर में प्रवेश नहीं ले सके और प्राइवेट विद्यार्थी के रूप में 1941 में इंटर उत्तीर्ण कर दिया। तिवारी को स्कूली दिनों में छात्र और अध्यापक प्यार से नारायण बुलाते थे। राजनीतिक जीवन में भी वो नारायण नाम से प्रसिद्ध हुए। उनका बचपन बेहद गरीबी से गुजरा। जब वो उच्च शिक्षा के लिए घर से भाग गए तो उनके पास महज एक धोती, फटा हुआ एक कंबल और 50 रुपए थे। न रहने का ठिकाना था और न ही इलाहाबाद में किसी से परिचय था। कौन सोच सकता था कि तब पाई पाई का मोहताज बालक अपनी प्रतिभा के बूते एक दिन देश का वित्त मंत्री बनकर राष्ट्र का बजट पेश करेगा, उद्योग और वाणिज्य मंत्री बनकर देश की उद्योग नीति तय करेगा। तिवारी ने उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड 9 बार और 1988 में देश का बजट प्रस्तुत किया था। संवाद 365 के लिए देहरादून से संध्या सेमवाल की रिपोर्ट।